नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूँ आपके साथ ललिता चक्रधारी और आज हम मौजूद हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, म्याऊ कैट को। तो हम अभी है म्याऊ द कैट कैफे में, जो कि बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे चल रहे हैं। बिल्लियाँ जो है वो रखे हैं यहाँ पे, बहुत सारी बिल्लियाँ हैं अलग अलग तरह की। उनसे हम जानेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो क्यों है और कितनी बिल्लियाँ यहाँ पे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है, ये सारी बातचीत आज हम करेंगे। बने रहिए वीडियो पर, आइए। जानते हैं यहाँ के ऑनर से, सबसे पहले कैसा कॉन्सेप्ट आप ये लेकर आई है कैट का, कहीं भी नहीं होगा रायपुर में मेरे ख्याल से ये जो कैफे हैं, कब आया ये आइडिया? ये हम लोग का आइडिया आया था कोरोना के पीरियड के बाद, जब हम सारे स्टूडेंट्स थे तो हम जब कोरोना में ऐसे बैठे हुए थे तब उसके बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी बनकर आई थी, तो देन वी ग्रैब इट। एंड कैट कैफे का रीज़न था कि बहुत ज़्यादा उस समय हम जब कोरोना के टाइम पे थे ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सराउंडेड थी, लेकिन ये जो कैट्स का भी एक जो सोशल स्टिग्मा काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को और ज़्यादा देखने को मिल रहा था, ऐसे तो सराउंडेड हमेशा ही था। तो उस समय जब काली बिल्ली रास्ता काट देगी, ये जब बच्चे भी मेरे सामने बोलने लगे तो वो मुझे थोड़ा हर्ट करने लगा कि बच्चे को जो नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है वो हमसे क्या सीख रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कैच रखने का जो रीज़न था उसी समय फिर इनिशिएटिव हमने लिया कि नहीं, कैच जो है वो लोगों के अंदर ये स्टिग्मा हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनका। तो ये जो रिस्पॉन्स भी वैसे हम देखने को मिलता है जो हमें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बच्चों के बर्थडे पार्टी का अभी ये जो हॉटस्पॉट बोल सकते हैं कि अभी यहीं, तो बच्चों को ये जो कैट कैफे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्लियों से मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में उन लोग डरते हैं लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिल्लियाँ जो है बहुत ही इंजॉय करती नज़र आ रही है। कितनी कैट्स है यहाँ? अभी यहाँ पे करंटली कैफे में 15 कैट्स हैं, उसके अलावा जो सारी कैट्स हैं वो हमारे घर में, मम्मी के घर में, किसी दूसरे तो पेरेंट्स के घर में बाकी कैट्स को हमने रखा है, लेकिन कैफे में अभी 15 कैट्स हैं। लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है यहाँ? लोगों का सबका अलग अलग रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कई लोग कैट्स, क्योंकि ये पर्शियन कैट्स हैं यहाँ पे, तो कई लोग इनके साथ रहे ही नहीं हैं, तो धीरे धीरे आते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो फिर यहाँ पे यूज्ड हो जाते हैं। हमारे जो भी कस्टमर है वो हमने देखा है कि काफ़ी रिपीटेटिव नेचर के हैं, तो वो एक बार आते थोड़े डरे हुए आते हैं, लेकिन वो अगली बार से वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाते हैं और वो यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, उनको अच्छा लगता है ये कैफे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ पे हम देख पा रहे हैं कस्टमर्स भी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, जानते हैं उन्हें कैसा लगता है। चलिए जानते हैं कि आप यहाँ पे पहली बार आई हैं। हाँ, पहली बार आए हैं। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कैट कैफे नाम से ये है और कहीं भी जगह पे हम जाए तो बिल्लियाँ ऐसा कैफे में हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने यहाँ की टी दी कि थोड़ा चेंज हो जाएगा। बच्चों को तो बहुत मजा आ रहा है, पर कोई मेंबर ऐसे हैं कि जिनको बिल्लियों से प्रॉब्लम है ऐसे, बाकी अच्छा लग रहा है कुल मिला के, चेंज मतलब टेस्ट भी अच्छा है खाने पीने का। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे किटी पार्टी भी चल रही है और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे किटी पार्टी चल रही है और सारे मेंबर जो है बहुत इंजॉय कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं आप कैसा लग रहा है आपसे। कैट कैफे का नाम बहुत सुना था मैंने, आने का मौका पहली बार मिला, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। एक बार बीच में लाइट चले गए थी जब थोड़ा डिस्टर्ब हुए, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, लोग यहाँ पे इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि ये जो अलग एनवायरनमेंट लोगों को मिल रहा है, साथ ही साथ कैट से जुड़े रहने के लिए उनको ज़्यादातर ऐसा होता है कि हर जगह पे डॉग्स को रखे जाते हैं, काउज रहते हैं, लेकिन बिल्लियों के बारे में जैसे हमने अभी बातचीत किया, जाना उनसे कि ये जो कॉन्सेप्ट था वो क्यों लेकर आए थे, और भी यहाँ पे लोग हैं जो यहाँ पे खा रहे हैं उनसे भी हम जानते हैं कि उन्हें कैसे लग रहा है। जी यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? कैट कैफ़े नाम है इस कैफ़े का, म्याऊ द कैट। यहाँ पे बिल्लियों को रखा गया है ताकि जो बिल्लियों के साथ लोग टाइम स्पेंड कर सके, और ये कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा है।
तो लोगों को तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि म्याओ द कैट कैफ़े है, यहाँ पे 15 बिल्लियाँ हैं जिनकी देख रेख भी बहुत ही अच्छे तरीके से की जा रही है, हमने देखा, और अलग अलग उनके जो देखभाल है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। तो ये जो कैफ़े है, अगर आप इस अलग तरह के कैफ़े में आना चाहते हैं, कुछ अलग इन्वायरमेंट चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। फिलहाल नए अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। कैमरामैन नवेज़ अहमद खान के साथ ललिता चक्रधारी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।